योगी को आया गुस्सा, नब गए 8 अधिकारी। एक गलती और एक्शन से यूपी में मच गया कोहराम। सीएम योगी के आदेश से टेंशन में केशव प्रसाद मौर्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शब्द। यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं, जिन्हें देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ हर एक कदम सख्ती से उठा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जो कुछ देखने को मिला, वो अब दोबारा सीएम योगी आदित्यनाथ रिपीट करने के मूड में नहीं है। इसलिए उन नेताओं की लिस्ट को भी बैठक के बाद तैयार कर लिया गया है, जिन्होंने चुनाव में नाकामी दिखाई और अब उनका पत्ता काटना है। उन अफसरों पर भी गाज गिरने की तैयारी कर ली है, जिनकी लापरवाही पार्टी पर भारी पड़ी। इसी कड़ी में अब योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के डीएम के बाद लापरवाह अधिकारियों पर और सख्त एक्शन लिया है। सीएम योगी के एक्शन ने यूपी में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल सीएम योगी ने बाढ़ राहत में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर सख्ती दिखाई है। लापरवाह 5 एडीएम एफआर और 3 एसडीएम से जवाब तलब किया है। आपदाओं में हुई जनहानि और क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा देने में लापरवाही बरतने वाले 8 अधिकारियों से जवाब तलब किया है। बाढ़ संबंधी कार्यों में लापरवाही पर कानपुर देहात के आपदा विशेषज्ञ को निलंबित कर दिया है। सीएम ने सभी लापरवाह अधिकारियों को 2 दिनों में अपना स्पष्टीकरण शासन को सौंपने के निर्देश दिए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लापरवाही बरतने वाले आला अफसरों को बिल्कुल भी बख्शने के मूड में अब नहीं है। इसी के साथ जितने भी अधिकारियों से जवाब मांगा गया है, अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो सीएम योगी सभी के खिलाफ सख्त एक्शन और कार्रवाई कर सकते हैं। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिया गया था कि आपदा से हुई जनहानि का मुआवजा 24 घंटे के अंदर पीड़ित को मिल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ अधिकारी लापरवाही बरत रहे थे, सीएम योगी के आदेश की ही धज्जियां उड़ा रहे थे। लेकिन एक ही मीटिंग में सबके चिट्ठे खोलकर सीएम योगी ने एक्शन ले लिया। हमने प्रशासन से कहा है तटबंधों की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग की व्यवस्था करें, बाढ़ पीड़ितों को समय से राहत और बचाव के कार्य के साथ जोड़े, किसी को भी कोई संकट न हो, इसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और केंद्र और राज्य सरकार ये भी व्यवस्था की है कि अगर किसी आपदा की चपेट में कोई व्यक्ति, कोई किसान चपेट में आता है, तो कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत किसान या किसान का परिवार या बटाईदार 5 लाख रुपए की सहायता तत्काल उस परिवार को देते। जनधन की जन हानि पर भी उन्हें तत्काल राहत, आपदा राहत कोष से पैसा दे दे। और ये भी व्यवस्था कर ले कि अगर कहीं कोई पशु हानि होती है तो पशु हानि पर भी उसे तत्काल राहत, जो आपदा राहत कोष में अनुमान सहायता है, वह सहायता तत्काल उसे प्राप्त हो जाए, यह तो सुनिश्चित करना ही है। लेकिन साथ साथ यह भी सुनिश्चित करें कि अगर फसल हानि हो गई है, समय पे सर्वे करते हुए उसका मुआवजा भी उनके अकाउंट में तत्काल चला जाए, जिससे अगर किसी को दोबारा फसल लगानी हो तो दोबारा फसल भी लगा सके। इसके लिए भी सरकार लगातार कार्य कर रही है। जो भी पीड़ित परिवार है उनके प्रति हमारी संवेदना है और मैं उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि हम लोग उनके साथ खड़े हैं और उन्हें हर प्रकार का मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। तो सीएम योगी की चेतावनी के बाद न सुधरने का अंजाम अधिकारियों को भुगतना पड़ गया है। वैसे भी सीएम योगी उपचुनाव को लेकर कोई भी लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने का जवाब सीएम योगी उपचुनाव में जीत कर देना चाहते हैं। और ऐसे में जो भी टांगड़ आएगा वो नप जाएगा, फिर चाहे वो कितना भी ताकतवर या बड़ा नेता क्यों ना हो, आला अफसर क्यों ना हो। फिलहाल सीएम योगी के इस एक्शन ने यूपी में कोहराम मचा दिया है। अब अगला कदम सीएम योगी आदित्यनाथ का और बड़ा और चौंकाने वाला हो सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कामकाज में कोई भी अड़ंगा पसंद नहीं करते हैं, और यही वजह है कि सीएम योगी के काम करने की नीति जनता को काफी प्रभावित करती है। फिलहाल जिस तरीके से सीएम योगी ने एक्शन लिया है, उस पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। We'll be right back.